शाम आपका प्रश्न है, पितृ किसे कहते? पितृ किसे कहते हैं? हमारे परिवार का, सांसारिक लौकिक परिवार का कोई भी सदस्य शरीर को छोड़ता है। अब छोड़ना आत्मा को ही है। आत्मा ने शरीर को छोड़ा, उसने जाकर नियम अनुसार दूसरा शरीर ले लिया। उसे पितृ कहा जाता है, उसे पितृ कहा जाता है। चाहे वो मां हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो कोई भी संबंध हो, संबंध कोई भी हो सकता है, परंतु सभी पितृ की कैटेगरी में आते। वास्तव में सत्य ज्ञान के आधार पर अब हमारा उनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट है तो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे, नहीं तो नहीं। उनके साथ हमारा संबंध था और यदि कोई कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है तो वो संबंध आगे किसी और जन्म के रूप में आकर हमारे साथ बराबर करेगा, परंतु अज्ञानतावश हम उन्हें समझते हैं कि वो कोई पितर लोक है जहां वो रहते। ऐसा कोई ऊपर लोक नहीं है जहां वो पितर जाकर के रहे, भगवान के पास रहे, या कोई ऐसा इलाका हो कि जो मरे शरीर छोड़े वो आत्मा वहां जाकर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा ने यहां से शरीर छोड़ा, उसी सेकंड में मां के गर्भ में प्रवेश किया, उसी सेकंड। उसका कोई कार्मिक अकाउंट है तो कुछ समय के लिए वह आत्मा शरीर लेने के बावजूद आ सकती है, अपना पार्ट बजा सकती है, बाकी ऐसा लाखों करोड़ों आत्माओं में से कोई एक आध आत्मा के साथ ऐसा होता है। सामान्यतः आत्मा ने यहां से शरीर छोड़ा और दूसरे परिवार में जाकर जन्म ले लिया। गर्भ 3 महीने का तैयार है, 6 महीने बाद परिवार में बच्चा आ जाता है। और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।